जनपद ऊधम सिंह नगर में अवैध लकड़ी तस्करी का मामला सामने आया है, जहां लकड़ी तस्करों ने प्रतिबंधित सागवान के पेड़ों को काटा, जिसकी सूचना वन विभाग को मिली। मामला तराई पश्चिम वन प्रभाग की पथरामपुर रेंज के शिवराजपुर बीट का है, जहां सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। वहीं वन विभाग ने काटी गई लकड़ियों के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी पथरामपुर राजकुमार सिंह ने बताया कि शिवराजपुर बीट के कंपार्टमेंट में 5 सागौन का अवैध पतान करने की सूचना मिली थी। वहीं मामले में एक आरोपी सुखी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी तस्करों की तलाश की जा रही है। ऊधम सिंह नगर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शिवराजपुर बीट के कंपार्टमेंट 5 में मजार के सामने कुछ जो है सागुन के वृक्षों का अवैध पातन का मामला संज्ञान में आया, उसके संबंध में रेंज केस जारी कर दिया गया है तथा जो अभियुक्त है उनमें से एक अभियुक्त सुखी को जो है गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।